रुआ ताऊ हाँ, मैं भाई राजेंद्र नगा बाबर जैन, बरसोड़िया राजनगर। बरसोड़ा निवासी, घर में परचून की दुकान की है और वैद्य का भी काम इवन करते और हैं, वैद्य फैमिली हो गई। अब मैं क्या का करूं, भी पर काम करते हैं। बहुत ही अच्छे अपन के देख ले जैनी लग हैं, गई दूर दूर तक हर प्रकार की बीमारी। हर प्रकार की बीमारी को भी ठीक हैं करते हैं, और दूर दूर तक जैनी में काम में देगा इनका होती प्रचार प्रसार है, जाना जाता है। अरे चाहे उचाणा, नरवाना, पंजाब, कहीं भी चले जाओ, यूपी आप पूछ साइड, लेता हूँ ना, पूछ ले। चलो जैनी के नाम से इनको जानते हैं बाहर। यहाँ पर राजेंद्र करके बाबर बताया जैन इसे के नाम से भाई, जाना ताऊ का जाता नंबर आया है। राजेंद्र का, नैन शिवा सर तानु देखो इनका ताड़े परिचय लेंगे, पूछा हुआ बसोड़ा है, जाएगा कि बसोड़ा हूँ मैं, क्या क्या कार्य करते हैं। ये बसोड़ा हमें है। पता है कि ये हड्डी के आओ रोगों को बता भी, सर, ताऊ हर राजेंद्र एक नहीं आया, रोग को ताऊ ठीक पशु करते चिकित्सक है। हैं, चाहे बाप बादी कुछ भी हो, हाँ ओड़ा हूँ, लकवा हो, कमर दर्द मैं हो, दिखे है ठीक या किया करते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत बताएगा, भीड़ लगती है इनके पास। जैनी साहब जी, बता थोड़ा जी करके। पहले बताए किस किस चीज की आप है? तो आपके चैनल को धन्यवाद, थैंक यू, और जो कि आप यहाँ तक पहुँचे हमारे पास में, प्राइस ठीक बात। रिपोर्टर भी रह रहे हैं, और आप का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, जो कि सुंदर का ठीक है, कर दे, बंद कर दीजिए हाँ। हलाल पे। आपके पहुंचने पर यहाँ पर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। हाँ जी बोलो। आप ये बताएं किस चीज के शरीर की हमारे पास ठीक किया में जाता है आपको? सर्वाइकल भी हो जाता है इंसान के, उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा सुना है। आप सर्वाइकल का पूरा पूर्ण तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि सर्वाइकल है और डिस्क का रोग है, जो यह बहुत ज़्यादा है दुनिया में। बोलो गोड्डे तो नहीं उठा जाता बुजुर्गों से, इसके बारे में ज्ञान दीजिए। ऐसा है, हमारे पास में जो भी बहुत दूर दूर तक के विदेशों तक के भी आदमी आते हैं, ठीक बात, और अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगहों से आदमी आते हैं। जैसे भी यहाँ पर आता है कोई, उनके लिए यहाँ पर सारी सुविधा है। आने आने के बाद में चाय पानी भी दिया जाता है, अगर कहीं से दूर से भी आता है तो उनको भोजन भी पूछा जाता है। रही बात जैसे कोई किसी प्रकार का दर्द है, उनको मालिश किया जाता है, और अपना जो मंत्र के द्वारा झाड़ा लगाते हैं हम, जिसको पंजाब के अंदर अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, गुरु गुरु मंत्र। हाँ उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह से किसी तरीके बोले जाते हैं। पंजाब के अंदर हथौड़ा बोलते हैं हम, हरियाणा के अंदर कहते हैं झाड़ा, और जगह जगह मतलब अनेक प्रकार से है, मंत्र के द्वारा काम करता हूँ। कुछ तो उससे ही ठीक हो जाते हैं दर्द को, और जो कोई दवाई है, फड़ू है हमारी, जो बनाते हैं देसी आयुर्वेदिक, हमारा देसी दवाई से भी काम किया जाता है। मतलब एडी से चोटी तक का कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वह जोड़ों का दर्द है या पेट का, धड़न का, नाड़े का, कैसा भी पुराना रोग हो, कमर दर्द का, डिस्क की प्रॉब्लम का, अधरंग का, लकवा का, और जैसे कैंसर का, लोग कहते हैं कैंसर का, इसका भी विशेष यहाँ पर इलाज है। देखो भाई, कैंसर का भी राजेंद्र जैनी के पास इलाज है, राजेंद्र बाबर जैन के पास कैंसर का भी इलाज है। किसी तरह भी करते हो, कैंसर के बारे में बताइए। हाँ तो हमारा जो भी अभी पीछे भी आए हैं, कई बार यहाँ पर कैंसर वाले भी आते हैं, पीड़ पीड़ पूरी लगी होती है उनकी, उनके यहाँ आने के बाद में पूरा आराम लग गया हुआ है। अभी पीछे रत्नागिरी से आए थे यहाँ पर, उनको पूरी और रत्नागिरी पर्वत है, वो पानी के अंदर टापू एक वहाँ यस, पर, वहाँ ठीक से भी इतनी दूर से भी यहाँ कनाडा है और है, अमेरिका है, उड़ीसा, बिहार, सारी जगह से यहाँ आदमी आता है। और जैसे भी कैंसर का यहाँ मरीज आता है तो हमारे यहाँ पर जैसे चौकी पर जाता है, तो यहाँ बढ़ने के बाद में भी उसके पूरा आराम लग जाता है। अभी थोड़े एक दिन पहले मतलोडे का आदमी आ गया था, उनके अधरंग का झटका था, और यहाँ आने के बाद में अधरंग की जगह पर उनको हार्ट अटैक हो गया। वो यहाँ गाँव वाले ने, मेरे गाँव बरसोला मेरा,
जो कि डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है हरियाणा। तो यहाँ वो मरीज को जैसे भी हमने उनने बोला कि जी मैं हमारा मरीज को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं कहेगा कि भाई तकलीफ सभी आदमी जितने बैठे हैं यहाँ पर जितने सभी के मरीजों को, वो दर्द तो सभी को है, दर्द तो सभी। हाँ, तो वो थोड़ी देर के बाद में रोने की आवाज़ आई, वो कहने लगे कि जी ये इस तरीके यहाँ ये मरीज है नहीं हमारा डैमेज हो चुका है, यानी आँखें ठहर गई हैं और मुंह में खून आ गया है। तो मैंने जैसे भी देखा वो, फिर मैंने जैसे उनका इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, उनको जो हार्ट अटैक की बीमारी थी वो तो ठीक होगी, जो उनके अधरंग लगा हुआ था वो भी ठीक होकर अपना आप पैरों से चले गए। और चार आदमी उसको लेके यहाँ पर गाड़ी में आई थी। हम तो ये कहते हैं बाबा की कृपा से यहाँ पर जो भी आता है उनको पूरा प्रसाद मिलता है, हर प्रकार की बीमारी का, कहीं भी कोई भी कितना पुराना रोग हो, आँखों का चश्मा भी उतरता जाता है। जैसे मेरे को कहते हैं कि भाई लोग आप पे चश्मा है जी, मेरे को 1982 के अंदर गैस वेल्डिंग की चमकारा लगा हुआ था 1982 के अंदर। उस टाइम से लेकर आज तक मैं अपने चश्मे को उतार रहा हूँ, जब मेरे को दिखना बंद हो चुका था उस टाइम मेरे को 10 नंबर चश्मा चढ़ गया था, आज मैं जब उतारते करते करते 3 नंबर पे ले रहा हूँ जो कि गैस वेल्डिंग का है। और जैसे वैसे नंबर आगे 10 नंबर होते हैं, 5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, उनकी मैं दवाई बनाता हूँ, उनका मेरे पास में दवाई का जो मूल्य है 300 रुपये है। ठीक, वो 25-30 दिन, जैसे भी 20-25 दिन की दवाई महीने की चलती है, जैसे वो उसका 300 रुपये है आँखों की दवाई के लिए। और प्रति कोई भी दवाई है, जैसे कोई भी है किसी भी प्रकार की दवाई है, आयुर्वेदिक से बनाता हूँ। नले धरण की है, जैसे पेट की कोई भी समस्या हो, कमर से नस दबाता हूँ, कभी किसी की पेट के ऊपर मुलायम से हाथ से मालिश करते हैं, पेट से हर बीमारी चलती है। अगर पेट स्वच्छ है तो हर बीमारी स्वच्छ है। उनको खाने का परहेज, मेरे पास में कोई भी दवाई देता हूँ मैं जैसे, तो उसका कोई भी परहेज नहीं है, मैं आज तक किसी मरीज को परहेज नहीं देता। हाँ, तो उसके बाद में जैसे भी हमारा जो आज तक जितने भी मरीज आए हैं तकरीबन सही है, और सभी को कहते हैं, आते भी हैं यहाँ पर और माथा भी टेक के जाते हैं अपनी चौकी पे आते हैं। और जो दवाई का पैसा लगता है, दवाई का तो लगे लगेगा, हमारी जैसे कान में छेद हो रहा है, आँखें दुखे हैं, या सुनाई नहीं देता उसको, या कोई कान बहता है, या कहीं की लड़की हो जो शादी नहीं की, लड़की जिसकी शादी नहीं की, उनसे मैं किसी से पैसा नहीं लेता। ठीक, न तो कान जिसका बहता है उससे लेता, ना किसी से झाड़े का लेता मैं जो अपना पाठ सुनाता हूँ जिससे, न उसका भी पैसा लेता किसी से। और आपकी ये है, ये हमारी जो घरवाली है मैडम जी, वो भी झाड़ा लगाते हैं प्रति आदमी के, जैसे भी हाँ हर आदमी के लिए, ये इनका नियम है वहाँ पर चौकी का। और हमारा कार्य है, हमारा जो नसों के द्वारा काम करता हूँ, प्रति आदमी जो भी कोई आता है तो जैसे मालिश करनी पड़ती है, तो शरीर के ऊपर जो भी मालिश होगी, गोड्या की, जोड़ों की, सर्वाइकल का, कितना पुराना सर्वाइकल हो, हफ्ता 10 दिन के अंदर सर्वाइकल को ठीक किया जाता है। यहाँ पर मेरा गाँव है बरसोला डिस्ट्रिक्ट जींद में, गांव बरसोला डिस्ट्रिक्ट जींद में हरियाणा में, राजेंद्र भाबर जैन नंबरदार प्रधान हल्का किसान यूनियन जींद हल्का प्रधान, और नैन सेवा संस्थान उदयपुर जो पोलियो का इलाज होता है वहां पर, जो भी पोलियो का इलाज हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी कहीं से भी है, मैं वहां कोई भी मेरे पास में आता है तो पोलियो का उसका फ्री इलाज करवाते हम उदयपुर नैन सेवा संस्थान के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ का प्रचारक हूँ मेडिकल का। तो जो भी संस्था के द्वारा जो यहाँ पर मरीज आता है तो उनका फ्री इलाज भी किया जाता है। राजेंद्र जैन जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं जी, आपके ऊपर तीर्थ महाराज की अपार कृपा है या किसी बाबा की अपार कृपा है, बगैर भक्ति के लीन तो ये कार्य हो नहीं सकता, सत तो कहीं से मिलता है। हमारा वन सलोचन तीर्थ है जो यहाँ पर, जो तीर्थ है जो वहाँ पर भविष्यवाणी जिसके ऊपर भी हो जाती है,
वहाँ जो महीना दो महीने छः महीने जैसे कबूल के नहाएगा उसको नहाने दे तब उसकी परीक्षा ली जाती है उस पर परीक्षा। हाँ तो वहाँ पर जैसे भी हम नहाते धोते हैं तो वहाँ पर जिसको भविष्यवाणी हो जाती है उसको आशीर्वाद मिल जाता है। फिर रही बात हमारा जो जैन साधु है मानतुंगाचार्य जी, उनने जो एक राजा ने फिर नगरी में पहुंच गए थे वो मानतुंगाचार्य जी, वहाँ पर जैसे वो वहाँ पर ठहरे, ठहरने के बाद में वो कहने लगे राजा से अकबर जी हमने थोड़ा जगह ठहरने की नाइट की चाहिए। वो कहने लगे कि वैश्य के घर में चले जाओ। वो कहने लगे जी हम वैश्य के घर पर नहीं ठहरेंगे और न हम भोजन लेंगे, आपने मैं 48 ताला के भीतर रोक दूंगा तो आप कैसे खाओ पियोगे। बीरा जी हमने चाहे कहीं भी रोक दो, हम जैसे भी होंगे हमारा नियम है वैश्य का घर न खाएंगे न रहेंगे। तो उनने 48 ताले लगा के मानतुंगाचार्य को अंदर रोक दिया राजा ने। तो वो 48 श्लोक बनाए थे, उसका नाम है भक्तांबर पाठ हमारा, जो वो भक्तांबर के 48 श्लोक हैं। 48 श्लोक, एक एक श्लोक को बनाया गया, जैसे मानतुंगाचार्य ने एक श्लोक बनाया एक ताला टूट चुका, 48 इस तरीके से 48 श्लोक बनाए। 48 श्लोक जैसे बने, 48 के 48 श्लोक बनते ही ताले टूट चुके 48 के 48। फिर उस राजा ने कहा कि भाई ये क्या कमाल है। तो राजा उस मानतुंगाचार्य के चरणों में नतमस्तक हो चुका और कहने लगा जी मेरी जो गलती है उसकी माफ़ी दो और जैसे मेरे को भी ये दीक्षा दिलाओ। वो राजा फिर जैन साधु बनया था। तो इस तरीके हमारा मैं जो भी भक्तांबर पाठ है हमारे जैन साधु तकरीबन भक्तांबर का पाठ सवेरे पढ़ते हैं, वो सूर्य निकलने के बाद में साथ में निकलते वो पढ़ा जाता है। जो 48 श्लोक हैं वो भी बोले जाते हैं, वो हमारे मूजवानी याद हो रहे हैं और जैन साधु के दिन मूजवानी याद होते हैं। श्री भक्तांबर पाठ है श्री मानतुंगाचार्य कर श्री भक्तांबर पंत मोली प्रभाणा मुद्गोदगम दरित पाप तमो विचानम, ये इस प्रकार से 48 श्लोक बने हुए हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विजयाणम, नमो लोहित सरसावण, ये हमारा नवकार मंत्र है, इसको सिद्धि की जाती है। जो भी जिस घर में जैसे होगा जो भी पढ़ता है उसके यहाँ पर उसके घर में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। नवकार मंत्र रटने का किसी का मंत्र नहीं है ये। ये नमो हरियंताणम, नमो को अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, नमो सिद्धाणम सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, नमो आयरियाणम आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, नमो उपाध्यायाणम उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ, नमो लोय सरसावण, इस लोक में या परलोक में जो भी साधु संत जीव जंतु प्राणु पशु पक्षी जो भी हमारे से बड़े बुजुर्ग कोई भी माता पिता दादा दादी सभी को नमस्कार। इसमें किसी का नाम नहीं है। बहुत सी जगह नाम दिया जाता है अपने नामों से कोड़ वोड़ में कर देते हैं। हमारे गुरु तुल्य राजेंद्र बाबर जैन जी बहुत ही अच्छे प्रचारक भी हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं प्रचारक के साथ, और दूर दूर तक इनकी प्रचारिता बहुत दिनों से चली हुई है। अभी इसको अभी ये मरीज का दिखा रहे हैं, देखो ये दूर से आया हुआ है। अभी ये डॉक्टरों ने घोषित कर रखा है कैंसर और कोई कैंसर नहीं है, इसको सिर्फ फोड़ा फुंसी है, इसको यहीं ठीक किया जाऊगा। ले भाई ये लड़का है देखो, इसको घोषित किया हुआ कैंसर यहाँ से, और फोड़ा फुंसी है यहीं पर ठीक कर देंगे क्योंकि इन्हें जिम्मेवारी ले ली है। आज ही आया ये, और जो भक्ति में लीन होता है वो जिम्मेवारी ले लेता है ना, वो ठीक जरूर होगा। परमात्मा की दया में इसे तीर्थ महाराज की जगह पर सत है, और वंश लोचनगढ़ चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज राजेंद्र बाबर जैन जी का और पंडित जी महाराज भी आ गए हैं, बहुत ही अच्छा परमात्मा की दया था, तीर्थ महाराज की दया था, कारोबार भी चला हुआ भाई, चलना चाहिए एक इंसान का। गरीबी को दूर करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो आज के दिन दुकान की भी सजावट कर दी है, सामान भी बहुत, पानीपत से भी मोरी ले आते हैं। ये मोरी दिखाना जैन जी, ये कै रुपए की मोरी है? ये 145 रुपये। कहाँ से लेके आए? ये पानीपत से। पानीपत से लेके आए।
ये टूटती नहीं, ये नहीं, बहुत लंबे समय ये चलती जो है। हमारी जो दूसरी मोरी है वो तैयार चलेगी, ये एक तब भी ये बदी है। ठीक जी, और कारोबार को बढ़ाना भी चाहिए भाई, क्योंकि आगे परिवार भी बढ़ रहा है। और मैं अंदर को भी दिखा देता हूँ, ये अंदर भी देखो कारोबार, और देखो इस आदमी ने मेहनत करके, ज़मीन नहीं है इनके पास, है दुआड़ा या सुवाई ज़मीन है, और मेहनत करके कमाया है भाई, और परमात्मा की दया है, तीर्थ महाराज की दया है। और कभी क्योपो इंस्टीट्यूट पीवीटी एलटीडी, ये राजेंद्र बाबर जवानी का फोटो भी है, देख सकते हो आप कितने दिनों से जैनी साहब इस भक्ति में लीन है, बहुत ही ज्यादा समय से। और कुछ और दिखाते नहीं, नया पुराना काम है, नया काम इसका, और ये नया नहीं है, बहुत पुराना काम है जी। 1989 में भीतर करता, 1989 में अंदर घर हुआ करता, ये वर्धमान मानव सेवा केंद्र लिखा, उसी समय से ये वर्धमान मानव सेवा केंद्र, 79-70-71 तीन साल का कोर्स है, 89 के सन 89 के समय से ही, नहीं पहले से भी, पहले से भी उसी टाइम से ये भक्ति में लीन है। ये और गरीबी का कर देखो, परमात्मा ने प्रकट किया, इनको जस दिया, इनके हाथों में जस दिया, शरीर में जस दिया, और परमात्मा ने दया, इनके पास हर मरीज ठीक होके जाता है, और घर में खुशी आती है जब किसी मरीज ठीक हो जाता है, तो वो एक दूसरे को बताता है, दो चारों को बताता है, सभी को बताता है। और राजेंद्र जैन जी, कुछ आप और कहना चाहोगे? भाई हम तो ये कहते हैं, जो भी भवंडरों से बचो, ये नहीं है कि भाई नहीं, बहुत से क्या करते हैं हमारे, मैं भी बताता हूँ, अभी कुछ लोगों को यहाँ पर भ्रमण किया जाता है, ठीक है, रेलवे फाटक के पास में कोई खड़ा हो जाता है, वहाँ किसी को ये कह देते हैं यहाँ राजेंद्र जैन नहीं है, राजेंद्र जैन मैं खुद हूँ भाई, यहाँ पहले शिविर लगाता था मैं बैर, अब यहाँ अपना परमानेंट गांव बरसोला के अंदर मैंने अपने गांव में ही जमा दिया कार्य, जीन से आते हैं जैसे खटखट खटखट से बरसोला, और उचाणा नरवाणा से आते हैं, पंजाब की साइड से आते हैं, तो नरवाणा उचाणा और खटखट खटखट से फिर 1 किलोमीटर मेरा गांव है बरसोला, और फिर हंसी हिसार से भी आता है, तो यहाँ से भी इधर को आता है आदमी, जीन आना पड़ता है यार, रामरा भैंड दरियावाला जुलानी दरियावाला बरसोला इधर को भी आता है, और किन्नर नाड़ा हिसार से भी आते हैं, जैसे खेड़ी चौटा बरवाला उधर से भी आता है, तो किन्नर नाड़ा कोच बरसोला यहाँ पर को भी आते हैं, मेरी चारों तरफ से यहाँ पर सीमा लगी हुई है, हर जगह से चारों तरफ से, दिल्ली से आने वाला जो आदमी आता है वो जींद आता है, जींद से, और रेलवे स्टेशन बरसोला का भी है, और बस स्टैंड बस से आएंगे तो जींद से नरवाणा रोड पे नरवाणा वाली बस में बैठो, खटखट उतरो, खटखट से बरसोला 1 किलोमीटर, रेलवे फाटक, रेलवे फाटक से राइट हैंड पहली गली में 5वां मकान, राजेंद्र भाबर जैन नंबरदार, नंबर और जो फोन नंबर 98-125-50-226, 98-125-50-226, दूसरा नंबर है 94-662-50-226, 98-125-50-226, 94-662-50-226, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, इनसे संपर्क करें, और मेरा जो इस पे लोकेशन डालें मैप के ऊपर, वैद्य राजेंद्र भाबर जैन नंबरदार लिखा हुआ है, उससे भी आप संपर्क करके निकालें, और हरियाणा पावर चैनल, उससे भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, और वन सरोचन गढ़ के नाम से, तीर्थ महाराज के नाम से भी हमारा ये चैनल बना हुआ है, जैसे ये हमारे आते हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और वैद्य राजेंद्र भाबर के नाम से भी निकाल लोगे तब भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। धन्यवाद राजेंद्र जैन जी, आपको समय दिया, और आपकी आयु लंबी करे, बाहर आ गया हूँ भाई मैं, और अब यही गुंजाइश करूँगा, राजेंद्र जैन की आयु लंबी करे, और दूर दूर से मरीज दिखाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम पैसों के हिसाब से इलाज किया जाता है, और कैंसर और
अनेक बीमारियों का इलाज किया जाता है जिससे मरीज ठीक हो सकता है। हर इंसान ठीक हो सकता है अगर वो अपनी भक्ति और पूजा पाठ और जैन जियो का आशीर्वाद ले तो सभी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वंश लोचनगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।